प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाए जाने वाला पर्व मकर संक्रांति इस बार दो तिथियों में बट गया है। वहीं लोग बड़ी संख्या में शिवनाथ नदी पहुंचकर स्नान किया और भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। मकर संक्रांति के अवसर पर इस वर्ष भी दुर्ग के शिवनाथ नदी तट स्थित महमरा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां नदी तट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान दान करके त्योहार के महत्व को जाना और नदी किनारे स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक कर अपने और अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही इस बार दो तिथि के मुहूर्त के चलते कुछ लोग रविवार को भी इस पर्व को मनाएंगे। वहीं आज बड़ी संख्या में लोगों ने नदी पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसे लेकर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुबह से श्रद्धालु जन स्नान करके दान करके इत्यादि अपना माता मकर से और सूर्य देव से अपनी कामना करते हैं, क्योंकि वर्ष का पहला त्योहार होता है। सूर्य देव से अपनी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद लेते हैं, जो कि उनके पूरे परिवार के लिए साल अच्छा गुजरे और उनके सुख शांति है। वैसे तो 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ये शिवनाथ नदी है, यहाँ हर साल इतनी भीड़ लगी रहती है। ये भगवान शिव का और पार्वती माता का स्थल है। यहाँ हमेशा भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और श्रद्धा से अपनी इच्छा अनुसार जो उनकी मनोकामना हो वो पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पहला त्यौहार है मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाया जाता है, जो शिव जी की पूजा होती है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग हर साल शिवनाथ नदी आते हैं, अपनी हर एक मनोकामना जो हर भक्तों के रहती है वो पूरी होती है यहाँ पर आने से, इसीलिए हम भी आए हैं। यहाँ पर बहुत भक्तों का मेला टाइम लगे रहता है, सब पूजा पाठ करते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है वो अपना मनोकामना मांगते हैं और यहाँ पूरी होती है। संक्रांति में ये होता है कि शंकर भगवान की हम एकदम मतलब बहुत अच्छे से दिल से मानते हैं, जो शंकर भगवान हमारी जो हर एक इच्छा पूरी करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।